आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर वितरण हुआ संपन्न, उचित मात्रा में लाभार्थियों के बीच की गई टीएचआर वितरण। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि विभागीय निर्देशानुसार आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण हुआ, जिसमें गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चों के अभिभावक के बीच कच्चा राशन टीएचआर के रूप में वितरण किया गया। आपको बताते चले कि टीएचआर लेने के लिए यानी कि सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए वो अमीर हो जाते हैं। क्या सरकार नया नियम लागू करेगी? क्या विभाग इस पर कोई नया दिशा निर्देश देगी? क्या जिला पदाधिकारी महोदय इस पर एक्शन लेंगे? जी हाँ, जो नौनिहाल छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे जो कि 3 से 6 वर्ष के होते हैं, वो आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने आते हैं, उनको खेल खेल में कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनमें नींव डालने का काम करते हैं। लेकिन आए दिन हमारे आस पड़ोस में कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जिनका कोई निबंधन नहीं है, और अभिभावकों की भी क्षणिक लोभ के लिए कभी बच्चे को आंगनवाड़ी तो कभी सरकारी स्कूल तो कभी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। नतीजन बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर कम पाए जाते हैं, जिसका भुक्तभोगी आंगनवाड़ी सेविका होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्राइवेट स्कूल वाले या अभिभावक बच्चों का बचपना क्यों छीन रहे हैं, उनको खेल खेल में गतिविधि के माध्यम से सिखाना है, पढ़ाना है, बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। सरकारी योजना का लाभ उठाना हो तो हर वर्ग के लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर या सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजने के लिए कहा जाए तो वो अमीर बन जाते हैं। क्यों ना जिनके घर से जो बच्चे टीएचआर प्राप्त करते हैं वो आगे आकर आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने नहीं आते हैं, तो उनके दूसरे बच्चे को उस लाभ से वंचित किया जाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इस पर हम एक पत्र विभाग को पुनः लिखने जा रहे हैं कि जो अभिभावक टीएचआर लेने के लिए गरीब होते हैं, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में अमीर कैसे बन जाते हैं। इस पर आप लोग अपना सुझाव विचार जरूर देंगे, हम आपके सुझावों का, विचारों का, कमेंट का इंतजार करेंगे। तो आइए आज जो टीएचआर वितरण हुआ है उसकी कुछ झलकियां हम आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।